हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है कूलम्स लॉ। ऑलरेडी आप ये टॉपिक थोड़ा सा स्कूल में पढ़ा होगा। तो कूलम्स लॉ अगर हम बात कर रहे हैं तो उससे पहले हम ये जानते हैं कि लाइक चार्जेस जो हैं, जो एक जैसे समान चार्ज जो होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्जेस जो है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो अगर हम बात कर रहे हैं द फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस, इस फोर्स को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स। तो इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब अनलाइक चार्ज यानी धनात्मक और एक ऋणात्मक चार्ज जो है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे की को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेंगे। इसी तरह से अगर दो ऋणात्मक या दो धनात्मक चार्ज है तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करने की यानी एक दूसरे का प्रतिकर्षण बल लगाने की कोशिश करेंगे। तो कूलम ने जो फोर्स का लॉ ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन बिटवीन द टू इलेक्ट्रिकली चार्ज सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस, फाइनाइट डिस्टेंस, यानी अगर मेरे पास दो चार्ज है वो दोनों धनात्मक भी हो सकते हैं, एक धनात्मक एक ऋणात्मक भी हो सकता है, और उन दोनों के बीच में एक निश्चित दूरी है, तब अगर हम बात करते हैं तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या रिपल्शन है वो दो चार्जेस के डायरेक्शन के प्रोपोर्शनल होगा और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा इन दोनों के बीच के डिस्टेंस के। यानी जैसे जैसे अगर मैं बोलूं कि एक धन चार्ज और एक ऋण चार्ज अगर पास पास आने लगेंगे तो क्या होगा, आकर्षण का बल, अगर मैं ये बोल रही हूँ ये प्लस चार्ज है और ये माइनस चार्ज, ठीक है। अगर एक दूसरे की तरफ के बीच का सेपरेशन जैसे जैसे हम पास ला रहे हैं वैसे वैसे क्या होगा, इनके बीच में लगने वाला आकर्षण का बल जो होगा वो बढ़ेगा, यानी जितनी दूरी पे है उतना कम बल लगेगा और जितने पास आते जाएंगे उतना ज्यादा बल लगेगा, ठीक है। तो अगर हम लिखें तो कूलम्स लॉ कहता है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और अ रिपल्शन बिटवीन अ स्टेशनरी पॉइंट चार्ज, ये दोनों मूविंग नहीं है, क्या स्टेशनरी पॉइंट चार्ज है, व्हिच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ अ डिस्टेंस। यानी अगर मैं कंसिडर करूं कि ये चार्ज है Q1 और ये चार्ज है Q2, ठीक है, मान लीजिए इन दोनों के बीच की दूरी है r, ठीक है। तो अगर हम लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, हमने क्या कहा, कूलम का बल कहता है, फोर्स कूलम का लॉ कहता है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन यानी आकर्षण का बल या प्रतिकर्षण का बल दो स्टेशनरी चार्जेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ द चार्ज, इन दोनों के चार्ज के मान के गुणांकफल के बराबर होता है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, स्क्वायर ऑफ अ डिस्टेंस बिटवीन देम, मतलब इन दोनों के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो अगर मैं ये कह रही हूँ तो पहला स्टेटमेंट हो गया एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 एंड Q2 एंड दूसरा इक्वेशन हो गया एफ इज डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्क्वायर, ये दोनों इक्वेशन नंबर 1 हो गए और ये इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब इन दोनों को अगर हम लिख लें तो क्या लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों ही कॉमनली लिखा जा सकता है, Q1 इनवर्सली प्रोपोर्शनल का साइन है Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। अब अगर हम इसको हटाते हैं तो एक प्रोपोर्शनैलिटी का कॉन्स्टेंट, मतलब ये हटाएंगे तो एक नियतांक रखेंगे जिसे हम प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट कहते हैं, तो वो होता है 1/4πε0 Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो नियतांक है इसका मान जो होता है वो 9×10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर इसका अगर हम मान लेते हैं दैट इज 9×10⁹, ठीक है, तो ये कितना जाएगा 9×10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय कूलम स्क्वायर, ठीक है। तो इंटू क्या हो गया Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, ये हमारा जनरल फॉर्मूला हो गया, जहां पर आपने जैसे 4πε0 कहा था वो ε0 क्या कहलाता है, परमिटिविटी ऑफ अ फ्री स्पेस, ठीक है, उसी की वैल्यू आपने लिखी यहाँ पर, जो लिखी है परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस है, ठीक है। अब अगर हम किसी मीडियम में बात कर रहे हैं, मान लीजिए हम वैक्यूम में बात कर रहे हैं, तो अगर हमने कहा कि वैक्यूम या एयर है सम और मटेरियल है या ग्लास है या वैक्स है इस तरह से है, तो कैसे हम लिख सकते हैं, तब हमारे पास जो बल का वैल्यू होगी F इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, ठीक है।
जहां पर एप्सिलॉन क्या हो गया आपका एप्सिलॉन के जीरो तो अपने परमिटिविटी बात करी थी, और के क्या हो गया डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ दैट मीडियम, मतलब आपने कौन सा इंसुलेटिंग मीडियम लिया है, ग्लास लिया है, वैक्स लिया है, ऑयल लिया है, क्या मीडियम लिया है ना, इन दोनों चार्ज के बीच में। अगर दो चार्ज के बीच में मैंने एक कांच का स्लैब लगा दिया है, ठीक है, या कुछ रखा हुआ है, तब आपका क्या केस होगा, वो ये हो गया। अगर हम इसको अबव इक्वेशन को या इससे रिप्ले जहां एप्सिलॉन जीरो के है इसको लिख सकते हैं हम एप्सिलॉन से, तो एप्सिलॉन जीरो के इज इक्वल टू एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन जीरो के, जहां पर एप्सिलॉन क्या बनाता है आपका परमिटिविटी ऑफ अ डायलेक्ट्रिक, ठीक है, यानी हम इसको इससे रिप्लेस भी कर सकते हैं। तो अगर हमारे पास 1/4 एप्सिलॉन की वैल्यू गिवन है तो भी हम निकाल सकते हैं q1 q2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। तो इस तरह से हम किसी भी दो चार्ज के बीच में लगने वाले बल को निकाल सकते हैं। अगर हमें दूरी मालूम है या हमें बल मालूम है तो हम दूरी निकाल सकते हैं, या अगर हमें ये दोनों चीजें मालूम है तो Q1 Q2 का मान कितना होगा वो भी हम निकाल सकते हैं। तो हम इस तरह से किसी भी चार्ज के बीच की सेपरेशन, अगर उसमें डायलेक्ट्रिक मटेरियल रखा हुआ, इंसुलेटिंग मटेरियल रखा है या कोई और मटेरियल बीच में रखा है, तो भी हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।